जनता को उपलब्ध करवाएगी। एचआरटीसी द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रिक अनाउंस 50%। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट चीफ मिनिस्टर सर हैज इनॉग्रेटेड दिस। इस धर्मशाला महाविद्यालय के सभागार में हम सब लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती रश्मि दर्शन जी की उपस्थिति में उनका भी स्वागत। उम्मीद और आशा की नई किरण, ऐसा संकल्प हम दीप प्रज्वलित कर यहाँ ले रहे। जन कल्याण में हमेशा एचआरटीसी ने अपने आप को कायम किया है, एक भरोसा। मोदी जी के करकमलों से नारी को नमन। इसकी लॉन्चिंग, इस वीडियो की लॉन्चिंग आज यहाँ की गई है। एक बार जोरदार तालियां आज के सम्माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के। 3700 सर्विसेज द्वारा प्रदेश के अंदर व बाहर लोगों की सेवाएं उपलब्ध। सर, ये आपकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार सर इतने कंपनी ने इनको यहाँ पर पोस्टिंग मिली है सर। इसके लिए हम खाली पोस्टों का इंतजार नहीं करते हैं सर। कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है सर। पूरे देश में और प्रदेश में महिला पूरी आबादी का लगभग 50% हिस्सा है, कुछ जगह 50% से भी ज़्यादा है। और महिलाएं अब आज के इस दौर में सिर्फ घर का ही हिस्सा नहीं रह गया, यानी कि वो घर के कामकाज को ही नहीं देखते हैं, वो घर से बाहर एक नहीं अनेक कामकाज के लिए उनको जाना पड़ता है। एक दौर था महिलाएं घर में होती थी, बाहर कामकाज करने के लिए पुरुष ही जाते थे, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज महिला रोज़गार के लिए बाहर जाती है, आज महिला अपने कामकाज के लिए घर के परिवार की ज़रूरतें जो सामान की दृष्टि से लाने की रहती हैं उनके लिए, उसके लिए आना जाना रहता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं आज कामकाजी महिलाएं जिसको हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में उनका आना जाना और ज़्यादा सहज हो, उनको आर्थिक कठिनाई का अगर सामना करना पड़े उसमें हम मदद के लिए कैसे रास्ता निकाल सके, उस दृष्टि से हमने विचार किया। और विचार करने के बाद हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एचआरटीसी है चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उसमें ट्रैवल करने वाली जो बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया जाए, यानी कि आधा किराया लिया जाए। ये हमने निर्णय किया और इस निर्णय के मुताबिक नारी को नमन जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई। और कल से हिमाचल प्रदेश में सारी माताएं बहनें जो ट्रैवल करेंगी बसों में उनसे आधा किराया लिया जाएगा। पहले से ही घाटे में है, कैसे उभरी की हम इस बात से सहमत हैं, घाटे में है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनको बार बार बीच बीच में मदद करती है। हम और जरिया आय का क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे न्यूनतम। लेकिन इतना जरूर हम इस बात को सुनिश्चित करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए विशेष तौर से थोड़ा मदद का रास्ता निकालें। और क्यों बसों में ट्रैवल करने वाली महिलाएँ वो महिलाएँ जिनके पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, जिनकी जो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं हैं और वो ज़रूरतमंद है, और इसलिए ज़रूरतमंद के लिए हमारी ओर से ये मदद। न्यूनतम किराए को लेकर भी आपने बड़ी बात कही है ना। न्यूनतम किराए के लिए हमने वो एक ही बात कही कि जो पहला स्टॉपेज रहता है उस न्यूनतम किराए को लेकर भी आपने बड़ी बात कही है।
नहीं, न्यूनतम किराए के लिए हमने वो एक ही बात कही कि जो पहला स्टॉपेज रहता है उसमें 7 रुपये लिया जाता था पहले, कम से कम मिनिमम, तो उसमें थोड़ा सा हमने और ये कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सुझाव के रूप में बातें 7 रुपये नहीं, इसको 5 रुपये किया जाए, तो हमने 5 रुपये। सर, ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर भारत सरकार की ओर से बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी फैसला लिया गया और आज से जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है वो बैन कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार इसके किस तरह से अपील करना चाहेगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत पहले ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2009 में ये निर्णय ले लिया था कि प्लास्टिक पर पूरा बैन करना। उस वक्त भी रजिस्ट किया, बहुत सारा दबाव था सरकार के ऊपर भी, बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे, वक्त लग गया, लेकिन उसके बावजूद अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश ने पहले ही निर्णय किया है और स्वच्छता और पर्यावरण ये दोनों विषय में हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन काम किया और हिमाचल प्रदेश में ये पहले से लागू हमने किया हुआ है और आजकल हम इसको और ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू करके काम कर रहे हैं। उन सड़कों का क्या जिसके हालत बहुत खास्ता है, नई बसें आ गई प्रदेश में, लेकिन उन सड़कों का क्या जिसके हालत? देखिए, आप देखेंगे पिछले 4 महीने में बसों की हालत का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो हम नई बसों का प्रावधान हमने किया है और नई बसों के साथ साथ में और बसें खरीदने की दिशा में आगे चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं, उसमें भी और बसें खरीद रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कि जो हिमाचल प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति थी आज से 4 महीने 5 महीने पहले काफ़ी डैमेज थी कुछ जगह, उसमें सुधार हुआ है और आज हमको गाँव में लोग कहते हैं कि ऐसी सड़कें हमने आज से पहले नहीं देखी है, सब जगह सड़कें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, जो छोटी सड़कें हैं जहां पर अभी तक लोगों को सुविधा सड़क के माध्यम से जुड़ करके मिला है, उसको और ज़्यादा पक्का करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी सड़क की सुविधा। 3 बजे महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, दावा पेश करेगी आज 3 बजे, उसको लेकर क्या कहना है महाराष्ट्र में? उसको लेकर के हम अभिनंदन करते हैं, भाजपा की एक और सरकार पूरे देश भर में हुई, 18 सरकारें NDA की वर्तमान में है और महाराष्ट्र की बनेगी तो 19 हो जाएंगी, हम बधाई देंगे हमारे केंद्र। मुझे बहुत निराशा हुई इस सारी बात से, मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना, क्या परिस्थिति रही होगी, क्या परिप्रेक्ष्य रहा होगा, लेकिन वो सचमुच में बट इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना उचित है। सर, कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4.5 साल में यहाँ कुछ किया नहीं कांगड़ा में और अब पॉलिटिकल टूर करवाकर जो है वो अपनी साख बचा रही है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं, वो कहते रहेंगे लेकिन कहने का अधिकार उनका ही नहीं, हमारा भी है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, कांगड़ा जिला में भी काम किया है, कांगड़ा जिला में पहले की तुलना में और ज़्यादा काम, बेहतर काम किया है और ऐसे में लोगों के बीच में जाएंगे और जिस प्रकार से वो एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं किया, हम जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब उनके पास है क्या? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनकी तो बात छोड़ी, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि 5 साल जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार की, एक योजना का आप जिक्र कर पाएंगे? हम आपको इनाम देंगे कि जो योजना उनके कार्यकाल में शुरू हुई है और लोगों के दिमाग में है, वो उस योजना के माध्यम से लाभ मिला है और मॉडल कह रहे हैं कि वो मॉडल वीरभद्र मॉडल, मैं उनके बारे उनके प्रति सम्मान रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर हुआ क्या है? सर, श्रद्धालुओं पे अटैक, जो है इस बात को लेकर के जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, कुछ लोगों ने अपना पक्ष उसको देख रहे हैं। कांगड़ा में ना श्रद्धालुओं पर अटैक हो रहे हैं, 2-3 दिन है उन पे मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, उस पे कोई आपकी ध्यान में नहीं होगा ये मामला, क्या कहना चाहेंगे सर? अगर इस प्रकार का कोई ध्यान में आएगा तो जरूर उसमें कार्रवाई करें। थैंक यू।